हेलो एवरीवन, सो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। सो देखो, आज के लेक्चर में मैं एक छोटा सा लेक्चर लेके आया हूँ जो कि बेसिकली एमसीक्यू सजेशन से आपके ज्योग्राफी के सब्जेक्ट्स के लिए। देखो, एमसीक्यू जो ऐसा एक पोर्शन ही है, क्योंकि एमसीक्यू आप जितने अच्छे से डेप्थ को इन डिटेल पढ़ते हो, जितना अच्छा नॉलेज आप लेते हो चैप्टर के बारे में, वो उतना ही ज़्यादा आपको हेल्प करता है एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बट फिर भी आप लोगों की डिमांड के ऊपर, जैसे आप लोग इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सजेस्ट कर रहे थे, आपके कमेंट्स भी थे, सो मैंने एक ज्योग्राफी का एमसीक्यू का सजेशन कुछ बनाया, जिसमें से कुछ अप्रॉक्स 40 क्वेश्चंस होंगे। कोशिश करूँगा इन फ्यूचर वीडियो में मैं और आपको इस तरह के क्वेश्चंस को प्रोवाइड कर सकूँ। बट हाँ, ये सिंपल आपको कह देता हूँ लेक्चर के स्टार्टिंग में ही कि ये कोई नेसेसरी नहीं कि जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ ये इनफ है आपके एमसीक्यूज़ के लिए, क्योंकि एमसीक्यूज़ का दायरा काफ़ी बड़ा है। इसके लिए आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए होता है चैप्टर का। फिलहाल मेरी ये कोशिश रही है एबीटीए को अच्छे से उसको सर्वे करने के बाद ये मैं देख पाया हूँ कि हाँ, इस तरह के जो टाइप्स के क्वेश्चन हैं ये ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे गए। तो उम्मीद है कि ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में जो आएंगे, तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है आज के दिन। सो एक छोटा सा आप काम कीजिए, कॉपी कलम निकालिए अपने साथ, यहाँ पे क्वेश्चंस ऑलरेडी है, आंसर्स भी मेरे पास है। पहले आप आंसर खुद देने की कोशिश करना, फिर मैं आपको तो आंसर बताऊंगा ही। और अगर चैनल पे आप न्यू विजिट कर रहे हैं अभी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप देख सकते हैं चैनल पे विजिट करके हमारे चैनल पर इस तरीके का कंटेंट ही आपको मिलता है। सो बिना किसी इंतजार के आइए, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमारा नाम है आमिर, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल मॉडर्न पढ़ाई पर। देखिए, जो पहला मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है आपका, पहला क्वेश्चन सिंपली है द प्रोसेस ऑफ लेवलिंग ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, यानी कि अर्थ सरफेस को जो ऊंचाई होता है, लेवलिंग मतलब उसके सरफेस में इंक्रीमेंट होना, उसको हम लोग सिंपली बोलते हैं एसेंट। द एरिया बिटवीन टू रिवर्स इज कॉल्ड, दो रिवर के बीच का जो एरिया होता है इनको हम लोग सिंपली बोलते हैं वाटर शेड। थर्ड क्वेश्चन है सबमर्ज्ड वैलीज फॉर्म्ड एज रिजल्ट ऑफ ग्लेशियल इरोजन ऑन द सी कोस्ट आर कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं। यहाँ पर ये जो ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। बोल रहा विच लेयर ऑफ एटमोस्फेयर कॉजेस ऑरोरा, ऑरोरा कौन से लेयर की वजह कर आपको देखने को मिलता है, ये आपको आयोनोस्फेयर को देखने की वजह कर मिलता है। लास्ट है एडी करंट इन दी कैरेबियन सी आर, एडी करंट कैरेबियन सी में हम लोग क्या उसको बोलते हैं, सो उसको हम लोग सिंपली हरिकेन बोलते हैं। द पोजिशन एट द मून एंड द अर्थ आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन एज सन इज कॉल्ड, तो इसमें हम लोग सन को क्या बोलते हैं। भाई इस तरह का जो पोजिशन होता है इसका हम लोग डी ऑप्शन जो एस वाई जी वाई जी वाई ये बोला जाता है। अब ये हो सकता है एग्जाम में आपको कैपिटल में लिखा मिले एस वाई जी वाई जी वाई इस तरीके से, तो कन्फ्यूज ना होना, सब स्मॉल में हो या कैपिटल में हो मीनिंग सेम ही होता है इसका। द मेथड ऑफ प्योरीफाइंग ऑफ पॉल्यूटेड एयर इज, ये मेथड हमारे यहाँ पर मेथड पूछा गया है। सो एक्चुअली यहाँ पर ऑप्शन थोड़े अजीब अजीब है, बट मेथड का मुझे पता नहीं। स्क्रबर एक तरह का डिवाइस जिसका यूज़ करके हम लोग पॉल्यूटेड एयर को प्योरीफाई करते हैं, सो यहाँ पे आंसर स्क्रबर ही होना चाहिए आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे सिंपली बोल रहा है दी कनेक्ट्स श्रीनगर, अब यहाँ पे एक शायद छूट गया, दी हाईवे होगा यहाँ पर, दी हाईवे या फिर दी रोड जो आपको श्रीनगर से जम्मू कश्मीर के साथ, जम्मू के साथ जोड़ता है, तो इसका सिंपली जो आपका रास्ता आंसर है वो है जोजिला, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं द कोस्टल रीजन ऑफ महाराष्ट्र इज कॉल्ड, तो महाराष्ट्र का जो कोस्टल रीजन उसको हम लोग कौन कौन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए लेक सिचुएटेड बिटवीन द डेल्टा रीजन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा रिवर इज, कौन सा लेक है जो कि गोदावरी और कृष्णा के बीच में, तो यहाँ पर जो लेक है इस लेक का नाम है हमारा कोलीरू, आई होप मैंने सही प्रोनाउंस किया। छोटा नागपुर प्लेटू इज फॉर्म्ड बाय, छोटा नागपुर प्लेटू जो है वो ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट के थ्रू बना गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पर द इंडस्ट्रीज डैट टैडल पार्क इन चेन्नई इज फेमस फॉर, अभी जो इंडस्ट्रीज है ये मुझे श्योर नहीं, मैं इसको आपका जो आंसर है ये मैं अपडेट कर दूंगा आपको, मैंने बुक में ढूंढने की कोशिश की मुझे करेक्ट मिल नहीं पाया, तो मैं इसका आंसर आपको बाद में अपडेट कर दूंगा बुक टेलीग्राम चैनल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चेक करते हैं द लीडिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इन हार्वेस्टिंग आर, हार्वेस्टिंग में जो लीडिंग स्टेट वो है तमिलनाडु हमारा, और तमिलनाडु ही वो स्टेट है जिसने इस कंसेप्ट को यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग को इंट्रोड्यूस किया था। द सिक्स कलर्स ऑफ सेटेलाइट इमेजेस आर आइडेंटिफाइड इन रेड, देखो सी बहुत सारे कलर होते हैं सेटेलाइट इमेज में, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को वो रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें जो रेड कलर जो होता है सो उसमें का जो रेड कलर है वो आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं फॉरेस्ट एरियाज़ को, यहाँ पर जैसे ग्रीन वेजिटेशन जो है ये वाला एरिया, सो ग्रीन वेजिटेशन को वो रिप्रेजेंट करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं एक्यूमुलेटेड लैंड फॉर्म्स सच एज फूड प्लेन्स डेल्टास एक्सेट्रा आर फॉर्म्ड, ये सारी चीज़ें किसके थ्रू बनती है? तो सारी चीज़ें हमारे सिंपली डिस्पोजिशन के थ्रू बनती है, यानी कि जब जो हमारा नदी क्या होता है एट द लास्ट स्टेज में जा करके जो भी चीज़ वो अपने साथ ले करके आया था उन सबको वहाँ पर जमा करना शुरू कर देता है। यहाँ पर डिस्पोजिशन तो नहीं है आपका डिपोजिशन, सो डिपोजिशन से मिलता जुलता यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया वो सब्सिडेंस दिया गया है, से आपका सिंपली सब्सिडेंस होगा यहाँ पर। ओके, द वाटरफॉल द लार्ज होल बिलो द वाटरफॉल इज कॉल्ड। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ये ऑप्शन, इस ऑप्शन को आप काट के सही करो, यहाँ पे ऑप्शन होगा प्लंज पूल, क्योंकि जो लार्ज होल होता है वाटरफॉल के नीचे उसको हम लोग सिंपली बोलते हैं प्लंज पूल। ठीक है, प्लंज पूल ये होगा ऑप्शन आपका, ऑप्शन सी में यही होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मूविंग सैंड बार्स आर कॉल्ड, मूविंग सैंड बार्स को हम लोग वादीज बोलते हैं, ये हो गया ऑप्शन नंबर आपका बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है मीटियोराइट बर्न्स टू एशेस इन, कहाँ पे बर्न होता है? मीटियोराइट मेसोस्फीयर से नाम मिल रहा है, मेसोस्फीयर में ही होता है। इन विच ओशियन करंट चेंजेस डायरेक्शन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मॉनसूनस, मॉनसूनस के इन्फ्लुएंस की वजह कर वो अपना करंट का डायरेक्शन चेंज करती है, होता है हमारा इंडियन ओशियन में, इंडियन नॉर्दर्न ओशियन में होता है, यहाँ पे सिर्फ इंडियन लिखा है तो इंडियन ओशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आ गया द स्क्रबर डिवाइस इज यूज इन, स्क्रबर डिवाइस कहाँ पर यूज होता है? एयर पोल्यूशन कंट्रोल में। नाइग्रा ऑफ इंडिया इज कॉल्ड, इंडिया का नाइग्रा आप किसको कहते हैं? सो इंडिया का जो नाइग्रा है ये हमारा सिंपली कहलाता है यही चित्रकूट। ठीक है, देन लास्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन है बोरघाट, यहाँ पर बी नहीं होगा, ये वी नहीं होगा, बी होगा, एक्चुअल में स्पेलिंग इसका ऐसा होता है वोरघाट। सो वोरघाट गैप इज़ लोकेटेड नियर, वोरघाट गैप आपका कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये आपका सिंपली लोकेटेड है मुंबई में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी देखो, बी ऑप्शन लिख करके नीचे यहाँ पर मुंबई बी में ऑप्शन, यहाँ पर रागी नहीं होगा, ये रबी क्रॉप होगा, रबी क्रॉप होता है। सो रबी इज़ ग्रोन द मोस्ट इन इंडिया, सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? इंडिया में आपका। देखो इसका जो आंसर है काफ़ी ट्रिकी है, क्योंकि रबी बहुत सारे जगहों पर पाया जाता है। अब यहाँ पर कोई क्लियर ऑप्शंस यहाँ पर क्लियर नहीं है, कर्नाटका राजस्थान और महाराष्ट्र और केरला दिया गया आपको, तो ये भी मैं अपडेट कर दूँगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस द नंबर ऑफ वुमेन पर 1000 मेन इन इंडिया से 930 पीपल्स, 930 वुमेन से पर 1000 मेन। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इज लोकेटेड, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर लोकेटेड है ये आपको बताना है। सो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है ये आपका पिरम्बूर पे लोकेटेड है। विच नेशनल हाईवे इन इंडिया इज नेम्ड एज ग्रैंड टैंक रोड, तो ग्रैंड टैंक रोड जो है ना उसमें एक नेशनल हाईवे 19 भी है और नेशनल हाईवे 44 भी आता है, बट यहाँ पे जो ऑप्शन है ऑप्शंस में दोनों में से कोई भी मौजूद नहीं है। सो जो नेशनल हाईवे 1 है उसका रिलेशन ग्रैंड टैंक रोड से है, टैंक नहीं ट्रंक है बेसिकली, वो जीटी रोड जो हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं तो उसका ये फुल फॉर्म होता है ग्रैंड ट्रंक, जीटी रोड का फुल फॉर्म होता है ग्रैंड ट्रंक रोड। सो NH1 का रिलेशन है उससे, इसलिए यहाँ पर जो आंसर है मोस्ट प्रोबेबली NH1 है। टोपोग्राफिक मैप ऑफ इंडिया इज प्रिपेयर्ड बाय, ये हमारा सर्वे ऑफ इंडिया ने बनाया था, इसका शॉर्ट फॉर्म दिया गया SOI, सर्वे ऑफ इंडिया का शॉर्ट फॉर्म है SOI। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं एक्सटर्नल प्रोसेस, यहाँ पर कौन सा एक्सटर्नल प्रोसेस है? एक्सटर्नल प्रोसेस इज कौन सा है यहाँ पर? अर्थक्वेक है, वेदरिंग है, या फिर इरप्शन है, या सर्कुलेशन है? अर्थक्वेक तो इंटरनल आपको पता, वेदरिंग बाहर आपको देखने को समझ में आता है, इरप्शन भी नहीं, सर्कुलेशन भी नहीं, तो क्या है? वेदरिंग है। द मेन इरोजन प्रोसेस ऑफ रिवर्स ऑन सलाइन बेड रॉक्स, जो पथरीला आपका है वहाँ पर उसमें क्या होता है मेन? तो मेन इरोजन वो पहला ऑप्शन नहीं, एब्रेशन इरोजन, वाटर फ्लो इरोजन, या फिर सोल्यूशन इरोजन। तो सलाइन बेड रॉक क्या होता है? वो पानी के साथ मिल करके घुल के बह जाते हैं, तो सोल्यूशन इरोजन वहाँ पर आपका मेन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है सॉल्ट वाटर लेक्स लोकेटेड इन द लो लैंड ऑफ डिजर्ट्स एंड नियर डिजर्ट्स, कहाँ पर है? प्लाया में, वादी में, धंध में, कहाँ मिला है? फिर कतारा में। तो सॉल्ट वाटर लेक्स जो है आपका, इसका आंसर सिंपली कतारा होगा आपका। उसके बाद है इट इज डिस्ट्रक्टिव स्टॉर्म इन द चाइना सी इज कॉल्ड, उसको हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं? टाइफून। नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ओशियन सी ऑफ अलगी फॉर्म, अब सी ऑफ अलगी जहाँ पे बनता है उस सी का नाम है आपका सार्गासो सी, SARGOSSO सार्गासो सी।
ठीक है, ये उसका एक्चुअल आंसर। यहाँ पर उससे की कोई ऑप्शन नहीं है, उससे मिलता जुलता यहाँ पर एक सामेरियन है। मुझे लगता है ये गलती से सामेरियन लिखा है, उसके जगह पर सार्गोसिस सी होना चाहिए था। आप इसका करेक्ट आंसर लिख लो, सार्गोसिस सी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द टाइम डिफरेंस बिटवीन द मेजर एंड माइनर टाइड्स इज अप्रॉक्सीमेटली 6 hours 30 minutes। गैसेस प्रोड्यूस फ्रॉम लैंड फिलिंग, लैंड फिलिंग से जो गैसेस प्रोड्यूस होता है वो हमारा मीथेन है। उसके बाद हमारे पास है साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, ये कहाँ पर, तो साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो इंडिया है वो कन्याकुमारी है। लार्जेस्ट कोयल इन इंडिया, सो लार्जेस्ट कोयल जो आपको देखने को मिलेगा ये यहाँ पे देखने को मिलेगा वेम्बानंद में। उसके बाद छोटा नागपुर प्लेटू इज कंपोज्ड ऑफ लावा, छोटा नागपुर प्लेटू जो है आपका वो लावा से बना है। किस तरीके का लावा से, डिसकंटिन्यूअस एक्सटेंशन है, सराउंडेड बाई। सो इसका आंसर आपको सिंपली यहाँ पे मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, एक्रीसनरी पे। देन द रिवर्स ऑन विच द भागरा नंगल रिवर स्कीम इज बिल्ट आर, कहाँ पर बिल्ट किया गया है इनको, इसको बिल्ट किया गया आपका। देखो ये जो स्कीम है ये सतलज रिवर पर, अब यहाँ पर ऑप्शन ही अजीब है। ये जो है मुझे लगता है सतलज होना चाहिए था, गलत लिखा है यहाँ पर सतलज। अब बुक में अगर ऐसे ऐसे ऑप्शन रहेंगे तो फिर बहुत दिक्कत है, एग्ज़ाम में नहीं रहेंगे, आपके टेंशन ना लो। सतलज रिवर पर है बेसिकली आपका जो भागरा नंगल स्कीम है डैम का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रेश एलुवियल रीजन ऑफ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर द फ्रेश एलुवियल रीजन ऑफ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड, इसको खदार बोलते हैं हम लोग। द लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया एज पर 2011 सेंसस इज, ये सिक्किम है। द प्लेस वेयर एन आर्टिफिशियल सेटेलाइट इज केप्ड इन स्पेस इज कॉल्ड,